बाबू भैया का ब्लॉग देखा ना भाई, इमोशनल डैमेज कर दिया था बाबू भैया के ब्लॉग ने। तो फाइनली गाइस ये बोल रहा है कि जब तक मैं आ रही नहीं तब तक मैं तेरा फोन नहीं लूंगा। सो गाइस फाइनली मैंने बाल कट करवा लिया। भाई चलते चलते मिले मुझे नवीन भाई और गौरव। गौरव भाई हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। सो आज का जो ब्लॉग है उसकी स्टार्टिंग हो रही सुबह 9:30 बजे से, और मैं आज उठ गया था 7 बजे बिकॉज सुबह एक कॉल आ गई थी मेरे को तो मुझे उठानी पड़ी। और वैसे तो आपको पता ही है मैं 8:30 बजे ही उठता हूँ रोज। तो अभी मैं जस्ट नहा के रेडी हुआ हूँ और मैं सुन रहा था ये सेटअप लेके आया था मैं भाभी लोगों के यहाँ से। अभी मुझे इससे बड़ा भी लेके आना है बट वो कुछ टाइम बाद लेके आऊँगा। तो अभी थोड़ी जलाते दिया और फिर करते हैं ब्रेकफास्ट और फिर दिखाते हैं आपको। आज का जो मौसम है वो बड़ा मस्त है, धूप लग रखी और ये सुबह सुबह आ जाते हैं। हाँ जी कहाँ जा रहे हो? हाँ जी कहाँ जा रहे हो? ये इसके ना दांत टूट रखे इसलिए मुंह खोलती नहीं है अपना। हेलो रियाज, हेलो। ये छिल रहे हैं यहाँ पे मटर, शाम के लिए तैयारी हो रही है अभी से। गांव में ऐसे ही होता गाइस। हाँ जी बोलना चाहते हो कुछ बेटे? इसके पीछे पीछे ये भी आ जाती मेरी दीदी को मार। हट, ये देखना रो रो के जा रहा हूँ, मम्मी छोड़ के चली गई इसका। आप खुश हो गया? एक चीज चेक करवाते हैं। ओ अलग अलग भिड़ो बेटे। बेटे मुंह बंद रख तू, तेरे दांत नहीं है मुंह पे। सो गाइस 10 बज चुके हैं बट नाश्ता नहीं हुआ हमारा भी। मम्मी जा रखी थी कहीं और ये तो तब तक खाते नहीं है। सब इंतजार करते हैं कब मम्मी आएगी फिर नाश्ता कर लो। और हमारे गांव में पट रखी है हरियाली, कल से मंडान स्टार्ट हो जाएगा वहाँ। कल से परसों से, कल या परसों से होगा तो कुछ मजा ही आने वाला है गाइस। गाइस आज बनी है चटनी बड़ी मस्त। ये बैठ गए, तुमने भी खानी है भाई, तुमने भी खानी है, तूने भी खानी भाई। हाथ चलाने आती है, इधर आ जरा, आगे निकल बेटा, यहाँ पे बैठ। वो देख तेरे से सुधरा हुआ है, इतनी बड़ी हो गई तुझे अक्कल नहीं है बेटे। कट 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 कट। सो गाइस दिन के बच चुके हैं 11 और हम आए थे छत में बिकॉज इसने पहन रखी साड़ी रील्स बनाने के लिए, और गांव में कोई है भी नहीं तो सोचा तब तक टाइम पास ही कर लें बिकॉज बोर्ड वाले भी, बोर्ड वालों का बोर्ड का पेपर है वो 1 बजे तक आएंगे। सो गाइस हमारे घर में हो गया सिलेंडर ख़त्म और इमरजेंसी में किसी से मांग के लाना पड़ा तब नाश्ता बनाया, और अभी जा रहे हैं हम सिलेंडर भरवाने बिकॉज मार्केट में भर जाता है यहाँ तो वहीं जा रहे हैं। और फटाफट ऊपर में चलते हैं क्योंकि मेरे साथ कोई दूसरा जा रहा है, तो फटाफट चलते हैं और मिलते हैं आप। गाइस ये लेके जा रहे हैं वहाँ पर सिलेंडर ऊपर में, जैसे हम पहुँच गए यहाँ पर और ये भारी होगा ना। तो गाइस फाइनली हम पहुंचे थे मार्केट में और चेक द सोर्स, ये हमारा नाई। बट मेरे बाल इतने काटे है नहीं, कब से बोल रहे कि मैं बाल काटूंगा तेरे, बट एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ते बोलते बोलते भाई बंदे ने मेरे को ऐसे बिठा रखा, मैंने कहीं बाल भी नहीं कटाए बिकॉज मैं यही बाल कटाता। अभी काटेगा मेरे बाल हैं। बढ़िया काट रखे हैं तो मैं अपने बाल यहीं कटाता हूँ, यही काटते हैं मेरे बाल हमेशा, तो इसलिए मैं यहीं आता हूँ। आपको सजेस्ट करूँगा कि यहीं आना सब लोग, है ना। कैसे काट रखे बाल? अच्छा लग रहा है। ये लोकेशन है, ये है देख लो, ये लोकेशन है, बस यहीं आ जाना। सो गाइस मैं तो पहुँच चुका था घर में, सिलेंडर देने आया था बट उसने बोला था ज्योति ने कि मेरे को लेने आने दोबारा बिकॉज वहाँ पे कोई गाड़ी लग नहीं रखी, और मैं फटाफट सिलेंडर लेके आ गया था भैया के साथ तो अभी उसी को लेने जा रहा हूँ। तो चलते हैं पहले उसको लेने बिकॉज वो काफ़ी लेट से खड़ी हो रखी है, उसने बोला था कि मेरे को लेने आ जाना बिकॉज यहाँ से कोई गाड़ी नहीं मिल रही।
तो चलते हैं भाई। चलते चलते मिले मुझे नवीन भाई और गौरव। गौरव भाई तो चलते जब मैं इसको फोन ही कर रहा था परसों कि मेरे को मिल जाना, बट ये मेरे को यहीं पे मिल गया, बट मेरे को लेट हो रहा है, अभी रील्स नहीं बनाएंगे वैसे रील्स बना नहीं थे हमने, बट टाइम नहीं है मेरे पास उसको लेने जाना, काफी लेट से खड़ी हो रखी वहाँ पे, तो चलते हैं। ठीक है भाई, ठीक है भाई, मिलते हैं फिर। सो गाइस मैं आया था इनके घर और चेक दिस आउट। ओए पेपर कैसे गया तेरा? फास्कलास। आया तो कुछ नहीं, क्या आ रखा था बता इंग्लिश में? अगर तुझे बताना जरूरी है। वो कटिंग करा दी। चुप चुप। वो कटिंग करा दी। तू भी नाच रहे तो पता नहीं। बेटा पेपर लेके आ जा, बेटा पेपर ले गया। तेरे पापा में जाना, मैं ये पेपर नहीं दिखाऊंगा। हां जाएगा मेरे पापा ना पेपर पकड़ूंगा। मैं बोल रहा हूं ये पेपर नहीं दिखाऊंगा। सो गाइस ये पेपर नहीं दिखा रहा है। इसको कुछ आता ही है भाई, इतना वो है ना, अच्छा क्या बोलते हैं, निठल्ला बोलते हैं ना जिसको, वैसी है, कुछ नहीं आता इसको, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है गोबर भर रखा बस। कल रात मैंने कुछ पढ़े नहीं, तभी मेरे 50 तक तो आ ही रखे हैं, 50-60 तक। तो तुझे कैसे विश्वास है कि 50-60 आ रखे जब तूने कुछ पढ़ा ही नहीं? वो भी बहुत कम कर रखे, मतलब जोड़ रखे हैं मैंने, कमजोर। कैसे जोड़ रखे? नकल की ना तूने? नकल क्यों की? गाइस बोल रहा कि मैंने बहुत कम लगा रखे अपने नंबर, वो 50 लगा रखे, मतलब काट फाट के। तो इसने कुछ पढ़ा ही नहीं, काट फाट के क्या ना, ये वो दिखा रहा पेपर, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है भाई। तूने तूने किसी और से करवा रखा है भाई? हाँ, और से कौन करा है? जाना पेपर ला जा, जब तेरे को इतना ट्रस्ट है ना खुद पे, इतना ट्रस्ट है, इतना ट्रस्ट है ना खुद पे, जा मुझे किसने बोल दिया मैडम का ऑर्डर आ गया है, इसके लिए सिम लेके मत आना। जोगेंद्र थारा भाई, जोगेंद्र थारा भाई, जोगेंद्र क्या करेगा जब बॉस का ऑर्डर आया है? बॉस कर रही है मना, पैसे कौन देगा? वाह पैसे कौन देगा? रिचार्ज कौन करेगा? वो तो मना कर रहे हैं। देखो गाइस ये पहली बार खेल रहा है मेरे फोन पे गेम खेल रहे, ठीक है पहली बार खेला ना गाइस, मैंने सिखाया गेम खेलना। और वो कौन सा वाला? ये वाला भाई देख लो, आता है तुम्हें खेलना? मिलते हैं। तो फाइनली गाइस ये बोल रहा है कि जब तक मैं आ रही नहीं तब तक मैं तेरा फोन ले लूंगा, और अब हारने वाला ये तो कैसे आता नहीं, मैं ही सिखा रहा हूँ, जो भी सिखा रहा हूँ गाइस, ओह माय गॉड, पूरी तरह से हारने वाला ये। फाइनली मैं 20 लेवल कंप्लीट कर लिए हैं। हां 15 लेवल गाइस मैंने किया था कंप्लीट, और इस 5 लेवल से ठीक है। सो गाइस शाम के बज चुके 5, जस्ट अभी उठ रहा हूँ, और तब तक चाय विद क्रीम रोल, थैंक यू आपका दीदी लेके आ गई थी, और मेरी आंखें ना बिल्कुल खुल रही थी भाई, इतनी खतरनाक वाली नींद भाई साहब। वो तो मैंने गुंडी खुला रखी थी आज, तो दीदी फटाफट से आ गई, वैसे मेरा उठने का नाम नहीं था आज, अभी सोया मैं जस्ट 3 बजे, किसी कॉल भी आ रही थी, मैंने कहा भाई जो भी है मैं बाद में करूँगा कॉल, अभी मेरी आँखें खुल रही, तो चलो करते हैं पहले पीते हैं चाय और फिर निकलते हैं, दिखाते हैं आपको। सो गाइस मैं आया था राहुल और के घर। हाँ सो मैं आया था राहुल के घर, बिकॉज मैं बताना भूल गया था आप सबको कि राहुल परसों जिस दिन गया था ड्यूटी पे, उस दिन बताया नहीं था भाई मैंने, 2-3 दिन पहले राहुल गया था ड्यूटी पे, बट देहरादून तक ही गया था, बट उसके बाद क्या हुआ कि उसकी छुट्टी बढ़ी है, 1 महीने तो घर ही रहेगा, वो आ गया मार्केट में, तो उसको लेने जा रहा हूँ, उसने कॉल की थी, बस उसको लेने जाते हैं, उसने बोला था जल्दी आ जाए स्कूटी लेके, वो पहुँच गया शायद। सो गाइस राहुल भाई भी पहुँच चुके हैं। सो फाइनली 3 दिन के बाद राहुल भाई हमारे के घर आ चुके, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है यार, मैं बहुत हो गया था, मैं बहुत बुरी तरीके से तो चलते हैं गाइस, मैं पहुंचा था यहाँ पे और बंदा पढ़ाई कर रहा है, ऐसी खोल रखी सिर्फ किताब, बट अच्छा किताब और कॉपी लिख क्या रहे कुछ पता ही नहीं है गाइस, पढ़ा ही नहीं मैं यहाँ पे आया, बट कुछ नहीं, रेड पेन से पहले कौन पढ़ाई करते हैं? मैं करता हूँ। दीदी प्रणाम। प्रणाम ठीक है? हाँ पढ़ाई करूँ? ठीक है तो पढ़ाई करूँ। सो गाइस आज क्या था, मैं शाम को उठा था जैसे
5 बजे उठा, 4 बजे जितने बजे भी उठा था। बट उसके बाद मैं जैसे बाबू भैया का ब्लॉग देखा ना भाई, इमोशनल डैमेज कर दिया था बाबू भैया के ब्लॉग ने। बिकॉज उसमें क्या था कि जो आंटी थी एक, उनको बाबू भैया ने क्या दिया था गिफ्ट, रिक्शा दिया था, एक वैन दी थी जिसमें खाना बनता है। तो भाई मतलब कैसे स्ट्रगल किया उस आंटी ने कैसे स्ट्रगल किया और बाबू भैया ने उन्हें गिफ्ट दिया वो, तो बहुत ही इमोशनल डैमेज। भाई तेरे को तब दूंगा जब मेरे चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, जल्दी होने वाला है गाइस, बस आपकी कृपा बनी रही है और मेरे चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। नौकरी कौन दे रहा तेरे को, बर्तन धुलेगा तू? बर्तन की होटल में जाऊंगा, होटल में बर्तन ही धुलेगा, पहले तो खाना बनाऊंगा। सो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूं घर में और चेक दिस आउट। ए नंगा क्यों रखा ये हो रहा है नंगा? तो मैं घर में मैं बैठा था उनके घर और दीदी लोग मेरे को कॉल करके इतना परेशान कर दे। पहले इसने कॉल की, फिर जो दूसरे कमरे में बैठी उसने कॉल की, तो मुझे आना ही पड़ा गाइस, है ना। सो फाइनली गाइस रात के बच चुके हैं 11 और मैं कर रहा हूँ ब्लॉग की एंडिंग। तो जिसने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने कर रखा है वो सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए।